एकदम साहब ने दो टोक मुझे सीधा सीधा समझा देना है कि अगर मुकद्दर लिख दिया गया है, या तो कहें नहीं लिख दिया गया, अगर मुकद्दर लिख दिया गया है तो अल्लाह ने कोई इसमें कमी पेशी तो नहीं छोड़ी, फिर दुआ का दरवाज़ा खुला रखा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक तकदीर का ताल्लुक है, तकदीर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से दुआ मान्य नहीं हो सकती। मौत इंसान को आनी आनी है। ज़िंदगी जितनी अल्लाह जल्ला शानू ने लिखी है उतनी ही है, उससे एक सांस ना कम है ना ज़्यादा है। तो ज़िंदगी की दुआ नहीं मांग सकते? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि दुआ से उस ज़िंदगी में बरकत आ सकती है। आपके दिन नहीं बढ़ सकते, ये आप कैसे फैसला कर सकते हैं? खुदा चाहे तो बढ़ा सकता है, खुदा चाहे तो बढ़ा सकता है। मेरा सवाल तो यह है कि बुनियादी तौर पे दुआ है ही क्यों फिर? अगर करना ही सब कुछ रब ताला ने अपनी मर्जी से है, तो मुझे दुआ का हक दिया ही क्यों है फिर? दुआ को कानून रखे अल्लाह ताला ने मांगने के लिए, जब वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, अब वो एग्जीक्यूट होने ही नहीं है। दुआ वफतहत लहू बाबुर रहमा, इसका कैसे इनकार कर सकेंगे? नहीं, इनकार की बात नहीं है, आप सवाल की तरफ तवज्जो आपने इस दफा फरमानी है। अगर अल्लाह ने अपनी डिस्क्रिशन मुझे सरेंडर ही नहीं करनी, अल्लाह ने अपनी जो ताकत है मुझे मुझे उसका क्या कहना चाहिए, सरेंडर का क्या लफ्ज़ और इस्तेमाल करूं, मुझे उसका वेस्ट करना भी कह सकते हैं उसको, यानी देना ही नहीं है, मुझे देनी ही नहीं है, तो फिर दुआ का रास्ता हमें मतलब एक ऐसी उम्मीद पे क्यों लगा दिया है कि हम इस पे लगे रहें? फिर हम क्यों लगे, हम फिर मान लें कि अल्लाह ने जो लिखा है बस ठीक है, कबूल करें तकवा? नहीं, अल्लाह ने गुमराही तो नहीं लिखी इसमें, गुमराही कहाँ आ गई? अल्लाह ने ये तो ये चीज इंसान को बहुत सारी, इसमें तो अल्लाह के आके सरेंडर है। इंसान की जिंदगी में अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिए बहुत सारे, दीन कामिल को इख्तियार करता है किसी और तरफ। मैंने वापस आके ना आपकी भी जगह पे बैठ के ना, तो मैंने इसका जवाब देना है आपको, और अगर आपको ना पसंद आया ना तो फिर आपकी और मेरी बहस शुरू होगी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। हुजूर एकदस, आप ऐसा डालना चाहें तो डालें, इस बात को समझा दें हम जाहिलों को कि अगर अल्लाह ने मुकद्दर लिख दिया है और लौह कलम में महफूज है, तो दुआ का रास्ता खोल के हमें कौन सी आस दी गई है? देखिए, गुजारिश ये कि तो कुरान की आयत है कि जितना आप अल्लाह का शुक्र अदा करोगे अल्लाह मजीद तुम्हें अता फरमाएगा। ठीक, ये एक हमारे लिए इंडिकेटर है कि अगर आप अपने रिस्क में बरकत डालना चाहें, हाँ, इजाफा करना चाहें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो कुछ मिलता रहे उस पर अल्लाह का आप ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा करें। तो फिर इसका मतलब ये हुआ ना हाजी साहब के फिक्स कुछ नहीं है, हाँ, मेरे मजाज पे डिपेंड करता है। बात एक तो ये है कि अल्लाह ताला की बारगाह का जिक्र हो रहा हो ना मामला का, तो किसी चीज का फिक्स होने का तस्वीर नहीं हो सकता। यार प्यारी बात कर दी ना, प्यारी बात कर दी ना आखिर, अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, अल्लाह के बैतुल माल का जिक्र हो रहा है, तो कोई चीज फिक्स कैसे हो सकती है? वाह 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 वाह। अंबिया के पास भी फरिश्ते गए ना, हाँ, रूह कब्ज करने के लिए, उन वापस जाओ, चले जाओ, हाँ, और कहा कि ये तो थी अल्लाह, और कहा इजाजत लेके, इजाजत लेके आना है, जब आओ तो इजाजत लेके आना। अल्लाह ने बिल्कुल कहा कि इन इस बंदे के पास जब भी जाओ इजाजत लेकर ही जाओ। शाह साहब, आप इस पे कोई राय देना चाहेंगे? पहले बिलाल भी, असल में मसला पता क्या है, हम बाज का जो है चीज़ों को मिक्स कर जाते हैं। अगर मौत के टॉपिक एक सेकंड है जी, ताहिर शरफी बड़ी मुश्किल से हमें मिले हैं, ताहिर भाई से बात करें। ताहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। वो जमजम और खजूरें आपकी मिल गई माशाल्लाह ताला, आपके और आपके तमाम मेहमानों को सबको जो है मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमें भी इंतजार रहेगा जमजम और खजूर का। सर हमें भी नहीं मिली, वादा ही मिला सर। अच्छा हाफिज जी, ये फरमाइए कि आपके यहाँ तसव्वुर वसीला क्या है, किस चीज को वसीला समझते हैं और कहाँ से बिद्दत या कुफर या शिर्क शुरू हो जाता है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहू वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो खुद कुरान करीम में फरमा दिया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहू बिहा, तो अल्लाह के खूबसूरत नामों के साथ, अल्लाह के नामों के साथ दुआ करना और उन नामों के साथ अल्लाह से तलब करना, इसका तो अल्लाह ने खुद जो है हमें हुक्म दिया है। और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जितने भी हमारे अहलुल्लाह हैं, अकाबरीन हैं, उन्होंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि आप कुरान करीम की तिलावत के बाद दुआ मांगे, आप नवाफिल पढ़ के दुआ मांगे,
तो ये सारा क्या है? एक है कि आप किसी फर्द को समझ लें कि वो अता करने वाला है, और तो एक तो है कि आप अल्लाह की जात से मांगे। कुरान करीम पढ़ के आप सूरह यासीन पढ़ते हैं, जात अल्लाह ही से मांगते हैं, सब अल्लाह ही की जात से मांग रहे हैं, लेकिन किसी का सदका दे देना, किसी का वसीला दे देना, किसी का वास्ता दे देना कि अल्लाह तू मुझे नबी के सदके में अता कर, तू मुझे फलां के सदके में अता कर, मांग तो अल्लाह से ही रही है, और वो जो वसीला डाला है वो भी अल्लाह से ही मांगेगा। तो इसका तो देखें बिलाल भाई, किसी ने इनकार नहीं किया है। देखिए दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं जब, और फिर मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सूरत इखलास जो है वो आप पढ़ के वो हदीयतन भेजें सय्यदा फातिमतुज़्ज़हरा की खिदमत में, और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि उन तक पहुंचा दें, वो अपने बाबा से दुआ के लिए आपके लिए अर्ज कर दें, और आपके जो है उनके बाबा अल्लाह से आपके लिए दुआ कर दें। तो ये दुआ का और वसीले का असल में हमारे यहाँ मफहूम और मतलब ही जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ कर दिया गया है। जब अल्लाह खुद कह रहा है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहू बिहा, सलातुल हाजा क्या है, कुरान करीम की तिलावत क्या है, दुरूद शरीफ क्या है, तो आप हर वो नेक अमल जो करते हैं, बाज अहलुल्लाह का ये वो कहते हैं या अल्लाह मेरा कोई ऐसा अमल जो आपको पसंद आया हो उसके बदले में ये आफत टाल दे। वो डॉक्टर सराह साहब हमें कहा करते थे, कहते थे एक दफा किसी से अपनी जरूरत के लिए चीज मांगना, मिसाल के तौर पे पानी मांगना ठीक है, दूसरी दफा याद दहानी के लिए ठीक है, लेकिन तीसरी दफा मांगना किसी से वो शिर्क है। क्या कहेंगे? बात यह है कि मांगना तो अल्लाह से है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो आपके जूते का मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूँ तस्मा भी टूट जाए तो भी अल्लाह से मांगना है। मांगना तो अल्लाह से ही है क्योंकि देने वाला अल्लाह है। अल्लाह तो हाफिज साहब ये भी तो किया जा सकता है ना कि ये लोग जो है अगर मैं इनसे सीखता हूँ या मैं इनसे कुछ मांगता हूँ तो मैं इनको अल्लाह ही का वसीला समझ के अल्लाह ने ये मेरे लिए मुतय्यन किए हैं, अल्लाह इनके थ्रू मुझे दे रहा है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। बिलाल भाई मैं यही बात अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं आपसे कहता हूँ ये मुझे पानी पकड़ा दें। हाँ। तो ये आप अल्लाह की जगह तो नहीं ना आ गए, आप तो मेरे सामने बिल्कुल 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 बन गए, सबब है। लेकिन ये अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया हाफिज जी आपने, सबब वाला, सबब और वसीला, ये बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने हाफिज जी। देखिए आप सबब बन गए, सबब का इनकार तो नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको जिंदगी सलामती दे, और आप जैसे सादा बात करने वालों को और तौफीक दे के वो आपके इस नक्शे कदम पे चले हुजूर फरमाए आप। मैं सवाल करना चाह रहा था लेकिन चले गए, कोई मसला नहीं है कि असल में बहरहाल मुब्तला भी मसला है ना जी। इसी में फिर ये भी इनसे पूछ लेते हैं कि औलिया कराम की कबूर पर जाकर उनको वसीला देना खुदा की बारे में शिर्क है क्योंकि यहाँ मौजूद कोई नहीं तो मैं बात को सिर्फ फैला नहीं रहा।